back to my channel. Happy Diwali to all of you. अभी दिवाली है तो मैंने दिवाली के लिए मेरे घर को कैसे करके डेकोरेट किया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी. और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिले. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा. और मैं हर फेस्टिवल पे डेकोर चेंज करती रहती हूँ तो मैंने दिवाली पे कैसे करके डेकोर किया हुआ है, अपने घर को कैसे करके सजाया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ. चलिए लेट्स गो. ये है मेरे लिविंग रूम का 360 डिग्री व्यू. ये है मेरे मेन डोर और मेन डोर के साइड पे मैंने कुछ DIY किया है. वो उसका DIY का मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कैसे करके ये मैंने बनाया हुआ है और फेरी लाइट लगाया हुआ है. ये मेरी मेन डोर के सामने सोफे के साइड पे एक कॉर्नर टेबल है, साइड टेबल, उसमें मैंने कुछ डेकोर चेंज किया हुआ है. इसका पहले डेकोर का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था DIY का, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर फ्लैग पे भी डाल दूंगी. अगर आप देखना चाहे तो अभी देख सकते हैं. यहाँ पे जैसे फ्लावर मैंने चेंज किया है और एक बॉटल के अंदर फेरी लाइट डाल के रखा है और ब्रास के थाली के ऊपर केटल और दो ग्लास रखा है, उसके अंदर मैंने टी लाइट कैंडल रख दिया. और यहाँ पे जो फोटो है वो भी मैंने चेंज किया, ये पहले बनाया हुआ था मैंने काफ़ी पहले, वो मैंने रखा है. और यहाँ पे बकेट के अंदर बैम्बू ट्री रखती हूँ तो अच्छा लगता है दिखने में. और ये मेरी सोफ़ा है 3 सीटर, इसका सिर्फ मैंने कुशन चेंज किया और नीचे का जो स्प्रेड है वो मैंने चेंज किया. ये कुशन मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था. जो जो सामान मैं कहाँ कहाँ से पिक किया हुआ वो याद रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा. और कॉर्नर पे मैंने कुछ सामान और बुक्स और एक लाइट रहता है और यहाँ ये टेलीफोन यहाँ पे रहता है. यहाँ पे एक बर्ड केज मैंने रखा है, उसके अंदर भी मैंने फेरी लाइट डाला है. कुछ निक-नैक चीज़ें, मेरी डॉटर की फोटो, कुछ ब्रास की चीज़ें, कुक बुक्स, इस टाइप का सामान यहाँ पे रखती हूँ. यहाँ पे दो सिंगल सीटर सोफ़ा है, उसके बीच में दो टेबल है और ऊपर में बुद्धा का एक पेंटिंग मैंने बनाया है. वो अभी तक पूरा नहीं बना, जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको उसका अपडेट करूंगी. और यहाँ पे मैंने एक फ्लावर वास के ऊपर फ्लावर रख दिया. एक ट्रे के ऊपर मैंने सारे अरेंज किया. एक डक है, एक गणपति जी रहते हैं, उसके सामने मैं एक ब्रास के बोल के अंदर कुछ फ्लावर्स और एक टी लाइट कैंडल जला के रखती हूँ तो फेस्टिवल मूड क्रिएट होता है. और एक सामने ब्रास का एक कैंडल होल्डर है, उस पर भी मैंने टी लाइट कैंडल डाल के रखती हूँ तो ये लुक भी थोड़ा फेस्टिवल जैसा हो जाता है. और उसके सामने एक ब्लू कलर का कारपेट है, कारपेट के ऊपर सेंटर टेबल के ऊपर मैं एक ब्लू कलर का रनर डाल के उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखती हूँ. जैसे एक बुद्धा ब्रास का, वो मैंने बॉम्बे स्टोर से लिया था, वो रखती हूँ. उसके पीछे एक स्टोन का ट्री फ्लावर वास के अंदर डाल के रखती हूँ और साइड में एक ग्लास जैसा कैंडल होल्डर के अंदर टी लाइट कैंडल डाल के रखती हूँ. और बुद्धा को मैंने जिस चीज़ के ऊपर रखा है वो एक वुडन बॉक्स है, उसको मैंने खोल के दो लेयर क्रिएट करके रखती हूँ तो अच्छा लगता है.
और यहाँ पे मैंने बुद्धा के सामने कुछ पेबल्स और कुछ मेरी डॉटर का नेकलेस का बीड्स मैंने रख दिया और एक लोटस क्रिस्टल का टी लाइट कैंडल और एक पेपर वेट वो रखती हूँ। और उसके नीचे के लेयर पे ड्रायर पे एक क्रिस्टल का लोटस और एक छोटा सा ग्लास ब्रास के उसके अंदर मैंने फ्लावर डाल के टी लाइट कैंडल रख दिया तो अच्छा लगता है। और अंदर में कुछ सेल रहता है, मेरी डॉटर रख देती है वो। और यहाँ पे ब्रास के एक बड़ा सा बोल जैसा उसमें मैं कुछ फ्लावर्स डाल के एक टी लाइट कैंडल रख देती हूँ तो थोड़ा फेस्टिवल जैसा लुक भी आ जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर वॉल पे और दरवाजे पे मैंने रखा है हैंग करके। और यहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम रखा है, मैंने बनाया था। यहाँ पे एक फ्लावर वास के अंदर फ्लावर रखा है, दो हंडी के अंदर मनी प्लांट और यहाँ पे एक स्टैचू है डक और स्पैरो का वो रख दिया। और ये कॉर्नर पे मैंने कुछ फेरी लाइट्स रखा है, वो पहले ही मैंने इसका डीआईवाई एक वीडियो बनाया था, वो आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिर्फ कुछ चेंजेस किया है वही मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे एक मिरर के ऊपर मैंने बल्ब टाइप का फेरी लाइट रखा है, यहाँ पे मैंने केरलाइन स्टाइल दिया हैंग किया। और बाकी सारे सामान वही पहले जो था वही है, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड हुई है। जैसे ये एक टी लाइट कैंडल होल्डर दिवाली स्पेशल है और ये दो वाइट कलर का, ये भी दिवाली स्पेशल है। दो बॉक्सेस के अंदर कुछ सामान मैं रखती हूँ स्टोर करके, वो बॉक्सेस मैंने इलान से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और एक टी लाइट कैंडल होल्डर, इसके अंदर भी मैं कुछ फेरी लाइट्स डाल के रखती हूँ तो अच्छा लगता है। ये मेरा एक चेस्ट ऑफ ड्रायर है, ये कॉर्नर का लुक मैंने इस टाइप का दिया है। और यहाँ पे मेरी बालकनी है, बालकनी पे भी मैंने बॉटल डाल के फेरी लाइट्स रखा है। अभी रात हो गई है तो उतना बालकनी मैं अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊंगी। और यहाँ पे कर्टन के ऊपर भी मैंने फेरी लाइट रखा है तो अच्छा लगता है, दिवाली स्पेशल। और यहाँ पे मेरे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल मैंने अर्बन लैडर से लिया था। डाइनिंग टेबल के ऊपर एक प्लेट के अंदर मैंने फ्लावर और कैंडल रखा है और टेबल रनर है ब्लू कलर का। उसके ऊपर एक ट्रे के अंदर मैंने एक आउल शेप में फ्लावर वास रखा है, उसके ऊपर फ्लावर डाल दिया। और एक बकेट के अंदर मैं टिश्यू रखती हूँ और एक वाटर की जग बॉटल, वही निक-नैक चीज़ें रहते हैं यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल पे यूज़ होते हैं। और ये एरिया पे एक सेल्फ मैंने फैब इंडिया से लिया था, इसमें कुछ चीज़ें फेवरेट चीज़ें रखती हूँ। और ये एक बर्ड स्टाइल पे एक बेल है, मेरी डॉटर का बहुत फेवरेट है। उसके नीचे मैंने एक बर्ड केज रखा है, उसके अंदर भी मैंने फेरी लाइट डाल दिया। और इस पे कुछ निक-नैक चीज़ें डेकोर किया, कुछ कार है मेरी डॉटर का बहुत फेवरेट चीज़ है वो रख दी, एक स्कूटी है। और यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट और शोकेस टाइप का है, उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डेकोर का वो रखती हूँ। मेरा टीवी यहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि मेरा टीवी बेडरूम पे रहता है, लिविंग रूम पे कोई टीवी नहीं देखता बैठ के। और यहाँ पे
एक बॉक्स है उसके ऊपर बुक्स और एक वाटरिंग कैन, एक रैबिट, मेरी डॉटर का एक फोटो है और यहाँ पे मैंने दो कैंडल रखा है टी लाइट कैंडल कैंडल होल्डर के ऊपर और एक बर्ड टाइप का बोल है उसके अंदर कुछ बीड्स रखा है। ये एक ट्री का बीड्स है वो मैंने कलेक्ट किया था और उसके सामने मैं दो चेयर रखती हूँ ताकि शूज पहनने में आसानी हो सके बैठ के। ये मेरा लिविंग रूम से कनेक्टेड पैसेज है, इसके लेफ्ट साइड में मेरा मास्टर बेडरूम, राइट साइड में किचन और एंड के तरफ में लेफ्ट साइड में मेरी डॉटर का बेडरूम। और ये पैसेज में यहाँ पे मैंने मेरी डॉटर की और मेरी कुछ ट्रेवल फोटोज मैंने कोलाज बनाया हुआ है। ये मेरी मास्टर बेडरूम है और स्ट्रेट जाके बालकनी है। मास्टर बेडरूम का टूर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर फ्लैग में भी डाल दूंगी, अभी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और सिर्फ कुछ चेंजेस किया है वही मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जैसे डेस्क के ऊपर में सेल्फ में मैंने दो लंठन रखा है, उसके अंदर फेरी लाइट डाला है और यहाँ पे एक कैंडल स्टैंड है लिव लव का, उसके अंदर भी मैंने फेरी लाइट्स डाल दिया और कुछ चेंजेस यहाँ पे मैंने नहीं किया। और यहाँ पे जो नॉर्मली मेरा डेस्क के साइड में जो सामान रहता था वही सामान है, डेस्क के साइड में मेरा जो नाइट स्टैंड है वही है, वो सारे सामान सेम ही है। और यहाँ पे जो फोटो फ्रेम था उसके साइड में मैंने सिर्फ फेरी लाइट डाला है तो थोड़ा फेस्टिवल लुक आ रहा है। और मैंने सिर्फ चेंजेस किया है बेड स्प्रेड और क्विल्ट, कुशन कवर में मैंने कुछ चेंजेस किया है क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल लुक आए, थोड़ा ब्राइट कलर मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मेरे तरफ का नाइट स्टैंड वो भी सेम टू सेम ही है, यहाँ पे भी मैंने कुशन कवर थोड़ा चेंज किया। और ये यहाँ पे मेरा बालकनी है, बालकनी में अभी मैंने कुछ लाइट्स लगाया हुआ है। दिवाली स्पेशल है इसलिए। और बालकनी की साइड में फोटो फ्रेम वही है, मेरा टीवी यहाँ पे और मेरा ये जो ड्रेसिंग मिरर है वही भी यहाँ पे, मेरा ड्रेसिंग यूनिट है, ये एरिया पे मेरे सारे मेकअप और मेरी डॉटर के सारी चीज़ें रहते हैं। और यहाँ से स्ट्रेट है मेरा किचन, अभी मैं किचन पे जा रही हूँ। ये मेरी किचन है, किचन के डोर पे मैंने एक विंड चाइम रखा है जो बर्ड हाउस है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मैंने महाबलेश्वर से पिक किया था। और ये मेरे किचन है, किचन का टूर ऑलरेडी मैंने किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर फ्लैग में भी मैं अभी दे दूंगी, तो आप अगर अभी देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये मेरा किचन का काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप में सारे चीज़ें सेम है, कुछ चेंजेस किया हुआ है, जैसे ये वाइट रैक मैंने ऐड किया हुआ है दिवाली की स्पेशल, इसमें मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जो ओल्ड सामान थे कुछ वही है। और ये कुछ मार्बल मैंने एक बॉटल के अंदर डाल के रखा है और ऊपर में एक मेजरिंग कंटेनर है ये मैंने रखा है। और यहाँ पे मैंने एक ऑयल और मिल्क मेजरिंग जग वो रखा है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल एक प्लांट रख दिया और वही सारे जो फेस्टिवल लड्डू और स्नैक्स होते हैं वो सारे रखा है। और यही सारे सेम चीज़ें हैं। ये मेरा फ्रिज है, माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव के ऊपर मैंने सिर्फ जो क्लोथ रखती हूँ वो ही चेंज किया हुआ है, और गुलाबों और आमों का को मैंने नीचे रखा है। यहाँ पे वाटर बॉटल है, यहाँ पे सेल्फ, सारे सेम चीज़ें ही है। ये मेरा किचन कैबिनेट है, कैबिनेट के साइड पे मेरा वॉश मशीन, विंडो, और यहाँ पे एक कैबिनेट है, और यहाँ पे जो कपबोर्ड है उसके ऊपर मैंने सामान ऐसे करके अरेंज किया हुआ है, और ऊपर में मैंने एक बॉटल में फेरी लाइट डाल के रख दिया तो अच्छा लगता है, फेस्टिवल लुक का जाता है। और हैप्पी दिवाली मेरी डॉटर ने ड्रॉ किया हुआ है। अभी पैसेज से मैं डॉटर की रूम की तरफ जा रही हूँ। पैसेज को मैंने कुछ फोटो देके सजाया हुआ है, जो मैंने कुछ फोटोज बनाया हुआ था वो मैंने कोलाज किया हुआ है। और ये एरिया है वॉश मशीन का, वॉश मशीन के ऊपर मैंने दो सेल्फ लगा के उसके ऊपर मेरे कुछ फेवरेट चीज़ें मैं यहाँ पे रख दिया। ऊपर में दो कैंडल होल्डर और एक बुद्धा का स्टैचू, ये मैंने लाइफस्टाइल से लिया था, और कुछ सामान जो मैं एग्जीबिशन से कलेक्ट किया था, कुछ पेबल्स डाल के फ्लावर डाल दिया। और यहाँ पे मैं एक प्लांट को, बैम्बू प्लांट को रखती हूँ तो अच्छा लगता है। ये मेरी डॉटर की रूम है, डॉटर की रूम के सामने जो वॉल है उसमें मैंने एक फुल लेंथ मिरर रखा है, और यहाँ पे उसकी कुछ टॉयज और पियानो रहते हैं। और मिरर के ऊपर जो आर्ट एंड क्राफ्ट वो बनाती रहती है वो स्टिक करती रहती है। और यहाँ पे मार्कर से उसने एक हनी भी ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर में कुछ वुडन हैंग किया हुआ है टॉयज टाइप का। यहाँ पे डॉटर के रूम की डोर पे मैंने एक हनी भी विंड चाइम हैंग किया है। और ये मेरी डॉटर की रूम की डोर के ऊपर उसने हैप्पी दिवाली ड्रॉ किया हुआ है। और मैंने डॉटर की रूम का रूम टूर मैंने किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर फ्लैग में भी डाल दूंगी। अगर आप अभी देखना चाहे तो वो क्लिक कीजिए। कुछ चेंजेस जो किया हुआ है वही मैं दिखाऊंगी, जैसे ये फेरी लाइट्स मैंने नया डाला है, और ऊपर में भी जो बेड के ऊपर फेरी लाइट्स है वो भी मैंने नया डाला है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक रीडिंग एरिया बनाया हुआ है कुशन और मैट से, और बेडशीट और क्विल्ट वो चेंज किया हुआ है, कुशन कवर मैंने चेंज किया। यहाँ पे फेरी लाइट्स डाला है बेड के ऊपर बल्ब जैसा, और बाकी सारे चीज़ें सेम टू सेम ही है। यहाँ पे वो कैंडल दिया हुआ है, उसके सारी टॉयज यहाँ पे है, मंदिर मेरा यहाँ पे है। और यहाँ पे मेरा अलमारी है। तो ये था मेरा होम स्वीट होम। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।